मिलिए दुई जी अम्मा से। दुई जी अम्मा आई तो थी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यमुना पार के शंकरगढ़ इलाके में मजदूरी करने, लेकिन उनसे आदिवासियों के ऊपर हो रहे जुल्मों को देखा नहीं गया और उन्होंने वहां के खनन माफियाओं के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया। एक गरीब घर की होने की वजह से इनके और इनके परिवार के ऊपर काफी जुल्म हुआ, लेकिन इन्होंने आदिवासियों की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर खनन माफियाओं और पट्टेदारों से आदिवासियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। दुई जी अपनी इस लड़ाई में चली तो अकेली थी, लेकिन जल्द ही उनके पीछे सैकड़ों की तादाद में इलाके के लोग भी जुड़ने लगे और उनकी इस ताकत में महिलाओं के लिए काम करने वाला एक संगठन भी साथ आ गया। महिला सामाख्या नाम की एक संस्था ने दुई जी का साथ दिया। महिला सामाख्या ने दुई जी को हर तरह का सहयोग दिया। उसके बाद तो दुई जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने समाज की गरीब और सताई हुई महिलाओं के लिए काम करना शुरू कर दिया। इस लड़ाई में दुई जी को ठेकेदारों से काफी धमकी मिली, लेकिन दुई जी ठान चुकी थी कि जिस जमीन पर अब तक आदिवासी मजदूरी करते आए हैं उनको वो उसी जमीन का पट्टा दिलाकर रहेंगी। वर्षों की लड़ाई के बाद अंत में जीत दुई जी की हुई और आज आलम यह है कि इस इलाके में वो 18 आदिवासियों को पत्थर तोड़ने का पट्टा दिला चुकी हैं। साथ ही मजदूरों को ठेकेदार अब उनका वाजिब हक भी देते हैं। हालांकि दुई जी अब बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन आज भी सड़कों पर लोगों के लिए अपनी आवाज बुलंद करती हैं। उनके हौसले आज भी उनकी उम्र को काफी पीछे छोड़ते हैं और आज भी वो उसी लगन से लोगों की भलाई के लिए काम कर रही हैं और ना जाने कितने ही लोगों को प्रेरणा दे रही हैं।